चलो देखते हैं यार कभी। धीरे धीरे निकालना, धीरे धीरे। ओह दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऊपर दिखाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं फाइनली स्कूल के लिए भी रेडी हो गई हूँ। एंड गाइस, जो आज हमारी फर्स्ट क्लास है वो आर्ट से स्टार्ट होती है। कल मैं अपनी स्केच बुक ले आई थी तो फाइनली मैं उसमें ड्रॉ भी कर सकती हूँ। तो आज मैं कुछ चीजें ड्रॉ करके आऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी मैंने क्या ड्रॉ करा है। सो गाइस, अभी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया और वही चीज मैं लंच में जाने वाली हूँ। तो देखो आज मम्मा ने बनाया मेथी के पराठे और देखो एप्पल भी दिया है। तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइस, आज लगातार तीसरा दिन हो गया, हवा बहुत तेज चल रही है। आज भी लगभग ऐसे 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही होगी हवा, इतनी तेज। और उसकी वजह से ना, जो नॉर्मली ठंड होती है वो उस जो एक्चुअल में होती है वो तो मतलब है ही, बट जब इतनी तेज हवा चलती है तो वो और दुगनी तुगनी लगती है। तो वैसे करके लग रही है। मैं तो आज भी अपनी मोटी वाली जैकेट ही पहन के आया हूँ कि भाई कोई ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी गला ख़राब है ना, ठंड सी लगी हुई है अंदर, तो ऐसे में और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। और अभी विन्नी को ड्रॉप करेंगे स्कूल के लिए। विन्नी, जैसे तुम मेट्रो में जाते हो तो यहाँ पर क्या लगता है कि मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है मेट्रो में सुबह शाम, मतलब सुबह और दोपहर को स्कूल से आने जाने के टाइम पर, या फिर नॉर्मल होता है? नहीं देखो, जैसे सुबह के टाइम हम लोग स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा लोग नहीं मिलता है, मेट्रो एकदम ज़्यादा भी खाली नहीं होती, मतलब मीडियम रहती है कि मतलब सीट बची हुई है। अच्छा, कि मतलब और लोग आगे बैठ सकते हैं। लेकिन आते टाइम कई बार ऐसा होता है कि मैं जल्दी आ जाऊँ, जिस टाइम यूनिवर्सिटी बच्चों की छुट्टी होती है तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग मेट्रो से जाते हैं अपने घर, तो उस वजह से मेट्रो में बहुत सारे लोग रहते हैं। कभी कभार खड़ा होना भी पड़ता है किसी लोगों को। तो ये आने के टाइम पर होता है? हाँ, कभी कभार, मतलब अगर मैं लेट आ गई थोड़ा सा, उस टाइम उनकी छुट्टी नहीं पहली हो गई थी, तो मतलब वही सेम चीज़ रहती जैसे मॉर्निंग होती है। गाइस, जैसे आप लोगों ने भी देखा था, हम लोग संडे गए थे ना फेशियल कराने के लिए, तो हम लोग वैली लाइन मेट्रो से गए थे जो अभी रिसेंटली चली है यहाँ पर, और वो देखा आपने बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। या तो हम चार लोग थे या मुश्किल से दो तीन लोग और बैठे हुए थे, उसमें पूरी मेट्रो खाली पड़ी हुई थी। अभी जो विन्नी जाती है वो दूसरी लाइन है, ये अलग डायरेक्ट रूट पे जाती है, तो इसी में बीच में ना यूनिवर्सिटी भी पड़ती है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से कई बार आने जाने के टाइम पर वो रश होता है उस मेट्रो में ओकेजनली। वैली लाइन मेट्रो पे वैसे है नहीं विन्नी, है ना? तो बहुत कम लोग वैसे भी जाते हैं, तो वही है कि उधर से आते टाइम में हो सकता है कि छुट्टी का टाइम एक साथ होता हो, तो इसलिए तुम्हें बहुत रस मिलता है वहाँ पर। चलो ठीक है, ध्यान से जाना है ना। 2000 years later गाइज, मैं तो अभी जस्ट अपने काम से फ्री हुआ हूँ ऑफिस वाले, और थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बाहर जाएं और हल्की सी हवा में घूम के आए, तो मैं बाहर चलते हैं। मीनू, तुम चल रहे हो क्या बाहर? हाँ चलो, थोड़ी देर चल रहे हैं। चलो फटाफट चलते हैं, थोड़ी देर टहल के फिर आ जाएंगे ऊपर, है ना? ठीक है। गाइस देखो, अभी मम्मा बना रही है हार्ट, यहाँ पे जो वैसे चंकी स्नो हो जाती है ना, तो हम लोगों ने ये पहले भी ट्राई करा था, दोबारा से ट्राई कर रहे हैं कि मतलब इसमें हम ट्रेस आउट कर देते हैं और फिर निकालते हैं। तो मम्मा अभी हार्ट बना रही, तो देखते हैं क्या वर्क करता है नहीं करता है। इससे ये होगा ना कि जैसे पूरी जमी हुई है यहाँ पे स्नो, तो ये पूरा का पूरा से पत्थर से निकल के आ जाएगा, है ना? हमने कई वीडियो हो गए बिल्कुल, हाँ तो ग्लव्स नहीं पहन रखे। चलो देखते हैं यार, धीरे धीरे निकालना, धीरे धीरे। ओह दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऊपर दिखाओ। मेरा हाथ ठंडा कितना लगी, क्या हुआ क्या हुआ, ठंडे हो गए हाथ। मीनू, ये जो तुमने बनाया अभी, ये कहाँ से आया दिमाग में? अरे हमने कहीं देखा था, देखा था एक बार YouTube शॉर्ट्स में देखा था एक बार, तो ये बिल्कुल जो जो बिल्कुल ही एकदम फ्रेश फ्रेश स्नो होते है ना, सरी बनता है ये, जैसे थोड़ी सी जम गई ना ऐसी खरखर वाली, तब बनती है क्रंची सी स्नो, क्रंची जब बनती है, जब क्रंची सी हो जाती है ना, बना लो एकदम पीस सा हो जाता है। और जिस दिन स्नोफॉल हुई हुई थी उस दिन तो बिल्कुल एकदम से वो सी हो रही थी ना, एकदम चूरा चूरा सा आटा आटा सा हो रहा था तब, तो बुरा, हाँ बुरा की तरह हो रही थी बिल्कुल एकदम से। उसका नहीं बनता कुछ भी, उसका कुछ नहीं बन सकता उसका, तो तुम मतलब वो बना करके जैसे स्नोमैन वो खेलना हो, अगर तुमको स्नो स्नोबॉल फाइट वो भी नहीं हो पाती उसके तरह ना, ऐसे उठा उठा के डाल दो, मतलब अगर आप अच्छे से प्रेस करोगे जब भी बनेगी, वरना तो मतलब ऐसी चंकी स्नो में मतलब ज्यादा है, लेकिन मतलब जो नॉर्मल स्नो होती है अच्छी टाइप से होती है उसी में मतलब खेलने मजा आता है वैसे तो। और ये वैसे अभी ब्लैक आइस नहीं बनी, अगर ब्लैक आइस बनती तो तुम तो इसमें कुछ भी नहीं कर पाते, वो तो एकदम से सॉलिड हो जाती है बिल्कुल, वो ब्लैक आइस वो शीशा सी हो जाती है। हाँ गाइस देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक कर रही है बार बार, बेसिकली एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो हम लोग अभी यहाँ पार्क में घूम रहे थे तो तभी आके रुकी यहाँ पर वो। आई डोंट नो कि यहाँ पे कुछ अभी इशू हुआ है क्या आसपास में जिसकी वजह से इसको यहाँ पे आना पड़ा।
एंड गाइज यहाँ पे ना ये सर्विस तो बहुत अच्छी है, अगर किसी को मतलब इमरजेंसी में ज़रूरत हो ना फायर ब्रिगेड की, तो बहुत जल्दी टाइमली आते हैं ये लोग। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि इन लोग को ऐसा करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एडमिंटन के अंदर और आसपास में जो अल्बर्टा में और दूसरी सिटीज़ हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों ने जो घर है ना वो ज़्यादातर लकड़ी के बनाए हुए होते हैं। बाहर की जो उनकी बिल्डिंग है वो तो हो सकता है कांच की या सीमेंट की इस तरीके से बनी हुई हो पिलर वगैरह के ऊपर, बट जो अंदर की है ना चीज़ें वो सारी लकड़ी की ही होती हैं। अरे जब हम यहाँ आए थे एक बार, जब रात को वो फायर अलार्म बज गया था, हमें यही नहीं पता था कि ये क्या बज रहा, हम सो रहे फिर हम जब उठे तो देखा पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही, इतना हम नीचे आए कपड़े वपड़े अपने जर्सी वर्सी जैकेट डाल के, इतना तो चले भी गए फायर वाले। एज एक्चुअली मैं तो जिस ऑफिस में काम करता हूँ ना, तो वहाँ तो हम लोग को ड्रिल्स में समझाया जाता था कि भाई इस तरीके से चीज़ें होती हैं, आपको ये करना होता है, ऐसे स्टेयर से जाना होता है, लिफ्ट से नहीं जाना होता है। बट मीनाक्षी को ये चीज़ें नहीं पता थी क्योंकि इसने तो नॉर्मली अपने घर को ही संभाला है। बट पोलो को तो कितना डर लगता है। हाँ पोलो को बहुत डर लगता है। पता है जिस दिन ये ऐसा हुआ था हमें पता देर में चला कि मतलब ये अलार्म बज रहा है, बट जैसे पता चला ना फिर हम लोगों ने फटाफट अपनी स्टेयर्स पकड़ी और नीचे आ गए थे। तो नीचे आकर के देखा आग तो लगी हुई थी बिल्कुल नीचे, जो हमारा यहाँ पे गार्बेज वाला है वो उससे भी ज्यादा भयानक। तो उसमें हाँ ये चीज थी, अगर ऐसे में कोई ऊपर से ना आग से बचते हुए नीचे तो आ गया और कपड़े भूल आया ऊपर, पता चले कि वो नीचे ठंड में मर जाएगा। हम तो पूरी जैकेट स्नो शूज वगैरह सारी चीज स्नो भी हो रही थी तब शायद। हाँ स्नो का तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंड तो थी, ठंड बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर। अब पोलू को तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि अलार्म इतनी तेज बजता है ना, पूरी बिल्डिंग में बजता है। पोलू तो जब भी बजता था ना, कई बार बज गया वैसे तो, कूदना शुरू कर दो मम्मी चलो जल्दी नीचे। उसको डर लगता है ना एक्चुअली, अब ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पे कितनी ज्यादा आग न लग रही हो, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, तो डर लगता है। बनाते हैं खाना पर कभी कभी हो जाता है गलती से। हाँ ये, और जरूरी नहीं केवल खाने की वजह से प्रॉब्लम हो, कई बार घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया उस चीज से भी हो सकता है। गार्बेज वाले उसमें तो लगा था। हाँ अब पता नहीं वो किसी ने मतलब कोई चीज छोड़ दी है, शॉर्ट सर्किट हो क्या हुआ। पर गाइस हम लोग ऊपर से नीचे आ गए थे ना, तो तब देखा हमने कि ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वाले ना आग बुझा चुके थे। और धुआं लेकिन लगी बहुत ज्यादा थी, लगे हाँ बहुत ज्यादा थी, सीढ़ियों तक आ रहा था बिल्कुल। तो वो चीज एक ऐसा था कि अगर फायर ब्रिगेड टाइम से ना पहुंचती तो कितना नुकसान हो सकता था। मतलब स्मोक जो आ रहा था खासी सी होने लगी थी, जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे थोड़ा सा उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा था वहाँ पर हम लोगों को। गाइस ये गाड़ी अभी भी यहाँ पर है, काम कर रही है। मुझे लगा यहाँ पर कहीं पर हो गया कुछ, फायर वायर लग गई लग रहा है, कुछ तो हुआ है यहाँ पर। अच्छा उस दिन का याद है, एक चीज बड़ी अच्छी हुई थी, हालांकि हमें डर जरूर लगा था कि हम अगर अपने कपड़े भूल गए ठंड वाले तो नीचे जाके कैसे रहेंगे, बट हमने देखा कि जो फायर ब्रिगेड वाले थे ना उनको सामने वाली बिल्डिंग का भी एक्सेस था, तो उन्होंने मतलब वहाँ पे गेट खुलवा दिया था कि आप लोग ऐसे करो अंदर तो हीटर लगे ही रहते हैं एंट्री से ही, तो वहीं पे हम चले गए थे। तो गाइज उन लोगों ने मतलब वहाँ पर सामने वाली बिल्डिंग का गेट खुलवा दिया था, बोला कि आप इस लोब में खड़े हो जाओ जब तक हम अपना यहाँ पे चेक्स कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर तब आ जाना। फिर बाकी उन्होंने अपनी तरफ से क्लियरेंस दिया कि भाई आप सब कुछ ठीक है आप जा सकते हो, तब फिर उन्होंने अलाउ किया था हम लोग को जाने का। चेक भी तो करने आए थे ना फायर वाला जो अलार्म है। हाँ वो चीज़ तो वो थी कि वो उनका आते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन पे ना। हाँ इनका एक मतलब पीरियोडिक अपना एक तरीके से वो होता है ऑडिट टाइप का, वो आके चेक करते हैं हर बिल्डिंग के अंदर कि भाई वो जो अलार्म है डी उसमें मतलब वो रहता है इसके अंदर स्मोक ही रहता है, वो उस पर लगाते हैं फायर अलार्म पे, तो वो जो उसमें गया तो बच जाता है, अगर नहीं बचा तो समझो खराब है। तो खराब है वो एक्चुअली पर्पज ही वही चीज चेक करने का है, और वही चीज है जो बचा नहीं सकता है। धुआं पकड़ रहा है नहीं, तो वो एक ऐसे लेकर रखते हैं स्प्रे टाइप का, जैसे अलार्म लगाओ उसी पे जाकर, लंबा सा आदमी था वो तो, और उसने पूरा उसको दिखाया वहाँ पे स्प्रे किया उसके ऊपर, और उसने डिटेक्टर ने पकड़ लिया कि भाई यहाँ स्मोकर, फटाफट उसने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। तो चलते हैं अभी ऊपर, थोड़ा देर तो बाहर की अच्छी हवा हो गई है अपनी। बोलो चलो। जस्ट अभी हम लोग आए हैं ऊपर, और बाहर तो मतलब ठंड तो बहुत अच्छी हो रही थी, बट हवा भी बड़ी एकदम शानदार चल रही थी, उससे एकदम माइंड फ्रेश सा हो गया है, बड़ा अच्छा लगा नीचे जा करके। और मीनू एक चीज पता है मुझे याद नहीं रहा तुम्हें कल का बताना, बट कल एक बहुत फनी एक चीज हुई थी। पोलू पता है क्या हुआ कि हम मैं पोलू नीचे जब वेट कर रहे थे ना बस का, तो उसमें क्या हुआ कि बस नंबर 201 था,
और जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग हमारी दिखा रही थी कि इतने बजे आना है, 9 o'clock के समथिंग बस का टाइम था जो हम लोग यहाँ से देख के गए। मैं और पोलू नीचे खड़े हुए और बस का वेट कर रहे, और बिल्कुल जिस टाइम पर बस को आना था हमें सामने की तरफ से बस आती दिखी जहाँ से बस आती है। और भाई मैं और पोलू बिल्कुल रेडी एकदम से अटेंशन कि यार हमें मतलब बस में बैठना है इसमें भी। और बस हमारे सामने आई, उसके ऊपर लिखा था नॉट इन सर्विस, और वो आगे निकल गई। पोलू कह रहा है पापा बस तो गई। सो गाइस पता हुआ क्या था उस वाले केस में, मतलब लिटरली उस टाइम तो हम लोग बिल्कुल डर गए एकदम से कि यार बस तो निकल गई। और वो चूंकि ना सिटी है दूर, यहाँ से सेंट अल्बर्ट जाना था हम लोगों को, वो सिटी दूर है, तो हमें लगा कि भाई अब अगली बस तो मिलेगी 1-1.5 घंटे और हमारी अपॉइंटमेंट आज तो गई काम से। अब मैंने ऑफिस का भी टाइम ले रखा था, मैंने कहा वो भी आज नुकसान हो गया, और जो अपॉइंटमेंट वहाँ पे अब तो 1 घंटा लेट हो गए, वो भी हमारे पैसे लगते फिर उल्टे पेनल्टी के। तो फिर क्या हुआ कि हम दोनों लोग वहाँ खड़े और सोच रहे कि यार अब क्या होगा। फिर हमने दोबारा से फोन पे चेक किया, तो फोन पे वो दिखा रहा था कि अभी 1 मिनट और बची हुई है बस के आने में, तो वो वाली नहीं थी, वो वाली नहीं थी। फिर हमने 1 मिनट देखा, 1 मिनट रुके हम लोग, तब वो दूसरी बस आई, तब हमारी जान में जान आई वहां पर। बट वो जो पहली वाली निकली ना, बस समझ लो कि वो 1 ही मिनट का डिफरेंस था, केवल 1 मिनट का। और जनरली ऐसा होता नहीं है 1 मिनट पे 2 बस आए, और वो हमको दूर से ऐसी आती थी कि हमें लगा कि यार GPS है थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे कर देता है, तो पहली वाली गाड़ी का हमें यही लगा यही एक्चुअल वाली है। बट जो सामने से निकली तब भाई एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी तब तो, बट अल्टीमेटली वो बस मिल गई फिर जो एक्चुअल वाली थी, फिर हम लोग चले गए। ये क्या कर रहे हो आप, और ये क्या है? ये जो है स्कूल में जो है बच्चों ने हमें गिफ्ट दे थे, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है ना, ये वैलेंटाइन डे की कार्ड्स है एंड कुछ चॉकलेट्स भी है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिला। सबसे पहले मुझे मिली है 2 pencils। अच्छा, तो आप प्राइज़ हैं। एंड साथ में ज़िपलॉक बैग के अंदर ये एक कार्ड है, इसमें तो टोपी भी है। हाँ अच्छा, इसमें कार्ड वगैरह सब दिए हैं बच्चों ने, दिए हैं सारे। हाँ कहाँ से मिले बोलो आपको? ये स्कूल से मिले हैं। स्कूल से? क्या टीचर ने दिए थे? टीचर एंड बच्चों ने दिए थे, बच्चों ने। अच्छा हाँ, ये किस चीज के लिए? हाँ आज वैलेंटाइन्स डे है ना। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। ये देखो एक कार्ड, ये मुझे एक और कार्ड मिला है। अरे ये क्या है? बढ़िया बोलो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। अरे वही धूपबत्ती वाली चॉकलेट। अरे ये धूपबत्ती वाले चॉकलेट, हां तो ऐसी तो है, जैसे बत्ती नहीं बनाते पूजा करने की, ऐसा बम भी रहता था। हां अरे मम्मी ये अलार्म छोटे वाला, ये नहीं देखी वाली क्या है? अरे स्मार्टीज है, ऐसी जैसी मेरी दवाई। अरे नहीं ये तो ऐसे जैसे जैम्स होती ना इंडिया में, लेकिन वो बहुत सारे कलर में, ऐसी दवाई भी आती है। अच्छा अच्छा, तो रख दो ये पोलू की है। अरे चलो एक तो खा लूं मैं। सो गाइस अभी नाइट टाइम हो गया, अभी मैं बुक पढ़ने वाली हूँ अपनी। एंड आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।